मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। विशाल क्रम महोत्सव आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में किया जा रहा है। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण भी क्रम महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष हमारे केशव दा को कि ओरिजिनल कुर्मी है, शहर में रहने के बावजूद भी अपने संस्कृति को नहीं भूलते हैं। मैं आज का दिन जो है कि इति जावा हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है ऑटोमेटिक कुर्मी सेना द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर यह करम महोत्सव मनाया जाता है, टुसु महोत्सव मनाया जाता है। हमारे जो पूर्व सांसद से सुनील महतो, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिसको हमारे लालटू बाबू द्वारा आगे इसको बढ़ाया जा रहा है। इस परंपरा को आगे अक्षुण्ण बना करके रखा है और इस दिन काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पर करम डांस होता है, करम गीत होता है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के प्रति कुर्मी जनजातियों का जो अगाध प्रेम है वह दर्शाता है और वास्तव में विशिद्ध रूप से यह कर्म त्यौहार कुर्मी जनजातियों का ही है। आज लोग धीरे धीरे इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुर्मी जनजातियों का जो गीत है ये सारे चीज़ को वह लोग उसमें पुट करते हैं। और इसमें हमारे कर्मा और धर्मा के दो कहानी कही जाती है, वह कथा के माध्यम से कर्म और धर्म के बारे विस्तृत से लोगों को बताया जाता है। साथ ही साथ यह हमारे कर्तव्य, जो हमारे कर्म की प्रधानता जो है उसको ये दर्शाता है। इसलिए ये कर्म त्यौहार जो है हम लोगों के लिए बहुत मतलब प्रेरणादायक है। यहाँ तक कि हमारी उपवास के अवसर पर हमारी बहनें डाल को पकड़ के कर्मा डाल से उसे मांगती हैं तो वह उनको मनोकामना का पूरा कर देते हैं। यह कर्म भगवान हम लोगों के लिए हैं, कर्म देवता हैं, कर्म भगवान है हमारे जनजाति कुर्मी समाज के लिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये चुनाव के टाइम यही तो शुरुआत है। क्या क्या वह बयानबाजी करेंगे वो तो आप ही लोगों को पता होगा। उनके संबंध में मुझे विशेष कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। आप सभी जानते हैं कि जेएमएम का एक संघर्ष का इतिहास है झारखंड की आज़ादी में। कांग्रेस का एक इतिहास है कि सोनिया जी के कहने पर एक मिनट में हमारे 13 विधायक बिहार में मंत्री थे, उन्होंने 3.25 करोड़ झारखंड के लोगों के आशा और आकांक्षा के लिए एक सेकंड में उन्होंने त्याग पत्र दिए। वे लोग जानते थे संख्या बल में कल हमारी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन उन्होंने सत्ता पद को छोड़ दिया और वे लोग उनमें से हमारे डॉक्टर बालमू जी हैं, नियल तिर्की जी हैं, सावना लड़का जी हैं, ये सभी 13 हमारे विधायक थे। उन लोगों ने सुख सत्ता को छोड़ करके झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षा के लिए अपना पद भी छोड़ दिया। तो आज हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही झारखंड मैटर्स कमेटी का गठन किया था। आप सभी जानते हैं इसकी शुरुआत किसने की। इसलिए जो है अपने चुनाव के पीरियड में बहुत सारी बातें कहेंगे, जुमलाबाजी करेंगे, घोषणाएं करेंगे, झारखंड की जनता इन जुमलाबाजी प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, वो लोग तो घुसपैठिया की भी बात की। घुसपैठ जो सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा किन का है, केंद्र सरकार का है। वह माननीय अमित शाह से पूछे कि कैसे घुसपैठ हो रहा है, ये तो उनको देखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। वह यदि घुसपैठ नहीं रोकना रोहिंग रोक सकते हैं तो उनसे त्याग पत्र मांगे। वंदे भारत ट्रेन का वंदे भारत ट्रेन का जनजाति संबोधित कर रहे थे लगातार। अभी ये कुर्मी समाज को एक पीस है कि अभी तक इन लोगों को एसटी अलग बात है, वह सामाजिक आंदोलन चल रहा है। कुर्मी जनजाति थी है,
और भविष्य में भी रहेगी। आपने झारखंड मैटर्स कमेटी में देखा है ये गैर अधिसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया है, समझे। वो कमेटी में जहाँ डॉक्टर रामदयाल मंडा एक से एक विशेषज्ञ थे, एक से एक लोग थे, वो रिपोर्ट जो है आप उसको पढ़ेंगे तो उन्हें स्पष्ट लिखा है कुर्मी गैर जन गैर अधिसूचित जनजाति। तो हमारी सारी संस्कृति परंपरा सब है, नोटिफिकेशन जो पहले थी जब 13 जातियाँ उस समय भी थी, इसलिए उसके संबंध में अब समय आएगा तो जब विचार होगा तो भविष्य में देखा जाएगा। कांग्रेस के केंद्र में आती है तो क्या कुर्मियों को एसटी का दर्जा मिले? वो अलग, फिर जब आएगी तब उस पर हम लोग बात करेंगे। प्रदेश जी, वंदे भारत ट्रेन का झंडी दिखाते प्रधानमंत्री मोदी जी, एक्सीडेंट होता है ना रेल मंत्री का बयान आता है ना प्रधानमंत्री का, ऐसा क्यों, इसके लिए क्या? ये तो आप उन्हीं से पूछेंगे तो अच्छा जवाब आपको मिलेगा। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, इतना मौसम खराब होने के बावजूद उन्होंने अपने कार्यक्रम और अपने जाति कार्यक्रम में विशेष रूप से उन्होंने आने का काम किया, इसलिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज कांग्रेस पार्टी और हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा विशेष योगदान है देश को आजाद करने में, इस राज्य को आजाद कराने में। बहुत अमन चैन का जो आज हमारे आदिवासी मूलवासी अमन चैन का सांस ले रहे हैं वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का देन है, और मैं इसलिए इस मंच में सबसे पहले मैं बॉस को धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम का शुरुआत करके उन्होंने उद्घाटन किया और इनका विशेष कार्यक्रम अभी रांची में है, फिर भी इन्होंने यहाँ आने का काम किया, और ये हमारे वीर शहीद सुनील महतो का देन था। उन्होंने चाहते थे जो हमारे गाँव में हमारी संस्कृति जो पड़ी हुई है वो हमारे हमारे शहर में हो। ये जो आज हम लोग शहर देख रहे हैं ये कल हमारे अभिभावकों का गांव था। आज जो टाटा कंपनी देख रहे हैं ये टाटा कंपनी 1908 में बसने का काम किया, उस जगह पे हमारे अभिभावकों का गांव था, खेती था, उसे उजाड़ के उसे शहर बनाने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पुराना पंथी को देखा जाए तो हमारे पूर्वजों का गाँव बसा हुआ था, इसलिए उनका देन है उस जगह पे कर्म संस्कृति को हम लोग करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को महोत्सव के शुभ अवसर पर वासियों को और सभी कुर्मी समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। कर्म महोत्सव पर और 12 माह से 13 पर्व जो कुर्मी जनजातियों का है उसमें इस माह से कर्म पर्व होता है, और इस कर्म पर्व को हम लोग धूमधाम से गोड्डा से शुरू किए थे, आज पूरे राज्य स्तर पर हम लोग कर्म पर्व को मना रहे हैं। और ये कुर्मी जनजातियों का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, हम लोग एक प्राकृतिक पूजक है, एक जनजाति है, और इस पर्व को धूमधाम से हम लोग लगातार, हमको लगता है 10-15 दिनों से दहरे कर्म के रूप में हम लोग मनाते जा रहे हैं। आज अंतिम हम लोग